नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे नोटपैड की। नोटपैड क्या होता है, कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं, कैसे फाइल सेव कर सकते हैं और इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों नोटपैड एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके अंदर आप प्लेन कंटेंट बना सकते हैं कोई भी फाइल, और ये हर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड होके आता है जिसके माध्यम से आप प्लेन टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर और सेव कर सकते हैं। इसका जो एक्सटेंशन होता है .txt फाइल होता है टेक्स्ट। दोस्तों हम देखते हैं कि हम कैसे फाइल ओपन नोटपैड ओपन कर सकते हैं। आपको सर्च स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, नोटपैड सर्च करना है और आप नोटपैड ऐसे ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये। दूसरा, विंडो आर करके आप नोटपैड लिखें, इसके अंदर नोटपैड लिख के एंटर मार दें आप, तो आप दूसरा इसमें आपका नोटपैड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। या आप इसको टास्क बार में पिन टू टास्क बार भी कर सकते हैं, पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार, तो ये आपके टास्क बार में ऐड हो जाएगा प्रोग्राम। अब जब आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये भी आपके ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे सबसे ऊपर दे रखा है वो तो टाइटल बार है, जैसे अभी अनटाइल्ड है लिखा हुआ। अगर यहाँ पे जैसे हम फाइल सेव करेंगे तो यहाँ पे उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा, और ये मिनिमाइज करने के लिए है। आप टास्क बार में मिनिमाइज कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, ये मैक्सिमाइज करने का है। इससे आप जो नोटपैड की जो विंडो आ रही है उसका साइज लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से इंक्रीज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मुझे बॉटम से कम करना है तो मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ मेरे माउस पॉइंटर की सहायता से। ये क्लोज के लिए है, आप इसको यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं और फाइल में जाके भी एग्जिट पे क्लिक करेंगे तब भी यहाँ से भी ये क्लोज हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कैसे जब फाइल हम इसको सेव कर सकते हैं नोटपैड की फाइल को। मान लीजिए आपने इसमें कुछ भी आपका प्लेन टेक्स्ट एडिट करा और अब इसको आपको फाइल सेव करनी है, तो आपको फाइल पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करना है, या फिर आप शॉर्टकट की देख रहे हैं कंट्रोल प्लस एस करेंगे तब भी आपके सेव का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ टेस्ट फाइल के नाम से डेस्कटॉप पे। आप यहाँ लोकेशन कुछ भी ले सकते हैं जहाँ आपको इसको सेव करना है, ठीक है। टेस्टिंग करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जो अनटाइल्ड लिखा हुआ जो आ रहा था यहाँ पे अब टेस्टिंग डॉट txt लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें आप प्लेन कंटेंट आपके इस फाइल के अंदर डाल के अपना वर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में ये जो जितने भी मेन्यू आ रहे हैं इसके अंदर उनके बारे में बताऊंगा। आज हमने जाना कि कैसे हम नोटपैड ओपन करते हैं, कैसे इसमें क्लोज मिनिमाइज मैक्सिमाइज का ऑप्शंस हैं, कैसे आप इसको टास्क बार में ऐड करके ओपन कर सकते हैं और कैसे फाइल हम टेक्स्ट फाइल सेव कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।